इधर गलवान झड़प के एक साल पर चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं। चीन के डिफेंस एक्सपर्ट ने एलएसी पर बफर जोन बनाने का प्रस्ताव दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट ने भारत के साथ तनाव को कम करने का भी सुझाव दिया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रिटायर कर्नल झाओपो ने बफर जोन मनाने का प्रस्ताव दिया है। झाओपो ने हांगकांग से प्रकाशित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार में एक लेख भी लिखा है, जिसमें झाओपो ने रोड मैप भी बताया है। झाओपो ने लिखा है कि गलवान झड़प खौफनाक थी, जो बल प्रयोग नहीं करने के लिए दोनों देशों के बीच बनी दशकों पुरानी सहमति को तोड़ने के करीब थी। घातक सीमा झड़प के सदमे से साल भर बाद अब भी काफी तनाव बना हुआ है, क्योंकि एलएसी को लेकर मुद्दों का समाधान करने के तरीकों पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके प्रभाव आज भी महसूस किए जा रहे हैं। हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है। 1993 और 2013 के बीच चीन और भारत के बीच विश्वास बहाली उपायों पर सरकारी और सैन्य स्तरों पर 4 समझौते हुए थे। असल में दोनों पक्ष क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत कर रहे हैं। संकट के मद्देनजर इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, लेकिन जब माहौल ठंडा हो गया है तो दोनों देशों को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो किस तरह से सीमावर्ती इलाकों को शांतिपूर्ण और स्थिर बना सकते हैं। इस बीच उत्तराखंड बॉर्डर पर चीन की चालबाजी सामने आई है। बर्फ पिघलने के साथ ही ड्रैगन के रेड आर्मी ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। भारतीय सीमा भी पीएलए जवानों की हर हरकत पर नजर बनाए रखे है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।